हरियाणा के पलवल में पुलिस ने दो मामलों में इनामी व दो केसों में भगोड़े चल रहे शातिर बदमाश को हथीन क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को पूछताछ के बाद राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया। क्राइम ब्रांच हथीन के इंचार्ज दीपक गुलिया ने बताया कि राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से चोरी की दो अलग अलग वारदातों में 5 साल से फरार 4,000 रुपए का इनामी व भगोड़ा बदमाश अंदरोला गांव हथीन निवासी रहीश को गिरफ्तार किया है। दीपक गुलिया ने बताया कि उनकी टीम ने 5 वर्ष से राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे इनामी बदमाश को काबू किया है। आरोपी पर वर्ष 2019 में दो अलग अलग चोरी की वारदात के संबंध में थाना तेजारा में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आरोपी फरार चल रहा था, जिसके लिए राजस्थान पुलिस ने दोनों मामलों में 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। इसके अलावा आरोपी को अदालत ने वर्ष 2021 के उत्तर प्रदेश के दनकौर व जेवर के दो अलग अलग थानों में एटीएम काटने के संबंध में मुकदमों में भगोड़ा घोषित किया हुआ था। आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से तिजारा पुलिस के हवाले कर दिया गया।